नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाइस में। दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आखिर सामने निकल के आ ही गई है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जितनी भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, मैंने पिछले 5 दिनों से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आ रहा था। वीडियो क्यों नहीं लेकर के आ रहा था दोस्तों, क्योंकि कोई पक्की न्यूज़ नहीं मिल रही थी, कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम जो है वीडियो लेकर के नहीं आ रहे थे। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर करके व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हुए, जो है भाई मैसेज कर करके परेशान कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, कोई जानकारी तो दो, कुछ तो वीडियो डालो। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि जब तक कोई पक्की न्यूज़ नहीं आती है तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के नहीं आऊँगा। तो फाइनली जो न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, बहुत ही खुशी की न्यूज़ है आप लोगों को। तो आइए मैं आप लोगों को न्यूज़ बताता हूँ क्या न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। दोस्तों, फाइनली जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका रिजल्ट जो है 6 तारीख को, यानी 6 नवंबर को आप लोगों का रिज़ल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। यानी दोस्तों, 6 नवंबर को जो है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का रिजल्ट शाम तक देखने को मिल जाएगा। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है दोस्तों, जितनी भी जहां जहां से मैंने जानकारी ली है वहां से पता चला है कि 6 नवंबर तक जो है आप सबके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। फाइनली कोर्ट ने भी अपना आदेश जारी कर दिया है कि भर्ती को जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। और रही बात चुनाव आयोग से परमिशन लेने की, तो दोस्तों चुनाव आयोग सिर्फ यही इंतज़ार करे कि कोर्ट जब कह दे। चुनाव आयोग महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए जो है हरी झंडी है चुनाव आयोग की तरफ से। जैसे ही कोर्ट का इस्टे हट जाता है दोस्तों, तो आप लोगों का रिजल्ट 6 तारीख को आ जाता है, तो चुनाव आयोग मान के चलिए दोस्तों आप लोगों को 7 से 8 तारीख के बीच में आदेश दे देगा। यूँ कहे तो दोस्तों, पूरा माजरा जो जा रहा है आपका 10 तारीख तक जो निकल के आ रही है कि ज्वाइनिंग हो सकता है। नियुक्ति आदेश आप लोगों का 10 तारीख तक जारी होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इतनी फास्ट क्यों होगी, रिजल्ट आने के बाद तो सब कुछ आपको पता ही है, सब कुछ रेडी ही है दोस्तों। शांति अहिंसा विभाग इस भर्ती को कराए आप लोगों को पता ही है। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आता है उसके 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चुनाव से पहले इसलिए आप लोगों को नियुक्ति हो रही है कि आप लोगों को चुनाव में काम लिया जा सके आप लोगों से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे दोस्तों जैसे कोई नई खबर आएगी, पक्की खबर आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।